أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدهته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بؤد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على صاحب الدَّعْوَةِ النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاتمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكازمية والحجج الرزوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل عليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد

आप बुजुर्गान बुजुर्गानी समराशी करने हाजिर हो गया हूँ बारगा इमाम से बस जल्दी जल्दी जियारत की तमाम मरहूमिन के लिए बिलखसूस जिनके लिए आज की मलिस रखी गई है दो आगू था बारगा इमामजा सामिनज में और आपके ख़िदमत में मैंने बगैर किसी तमहीद के अपनी बात शुरू कर रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम वक्त में पहुंचा सकूं। सूर्य नहल में खुदावंद मुताल हमें एक कायदा इनायत फरमा रहा है जैसे आप जानते हैं खुदावंद मुताल की कई सिफात है उसमें सिफत रब यानी पालने वाला जब पालने वाले की बात आती है तो उस इस, इस सिफत में कई सारी चीजें हैं जो आ जाती हैं खुदावंद मुताल जब पालता है तो राजक भी बनता है दिख्यार। की सिफत रुबूबियत की सिफत में पोषीता है ख़ल्क भी फरमाता है और इसी तरह नामी भी है आगे बढ़ाता है उसमें से एक जो सिफत मोखी है जिंदा करने वाला वो सिफत खुदा मुताल इंसान को जिंदगी अता करता है और ये रब की सिफात में पाई जाती है उसके इंडेक्स में आ जाती हैं अब रब की सिफात में जब एक सिफत जिंदा करने वाला तो ये जिंदगी इंसान को जो अता करता है इस जिंदगी के कई पहलू हैं जिंदगी आप देखें जब हम जिंदगी को कुरान के हिसाब से जैसे जो जानते हैं सो जानते हैं जो नहीं जानते तो बंद हकीर काफी सालों से तफसर कुरान और उलू कुरान का एक अदनासा तालब इम हो तो जब हम जिंदगी को देखते हैं कुरान की बेसिक से के कुरान ने किस किस चीज़ को जिंदगी कहा है तो इस जिंदगी को हम कई हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं कभी खुदा ने मुताल इस जिंदगी को नबाताती जिंदगी या हैवानी जिंदगी भी करार देता है कि इंसान को उसने पैदा किया एक पानी के जरिए से और उसने एक हयात जिंदगी थी जो और इस जिंदगी में इंसान दूसरे दूसरेवान दूसरी मखलूक के साथ मुश्तरक है आप जाते हैं जानते हैं एनिमल्स भी जिंदगी रखते हैं इंसान भी जिंदगी रखता है और इसके दूसरे लवाजमात खाना पीना सारी चीज़ें उसके जेल में आ जाती हैं दूसरी एक जिंदगी जो इंसान के लिए ज़रूरी है और वो जिंदगी है जिसे हम जिंदगी हयात अकलानी कहते हैं यानि इंसान का अक्ल जिंदा हो जब इंसान का अकल जिंदा हो और वो शूर की हद पे आ जाए जिसे आप अपनी जबान में आ, कह दें कि अकलन मैचोर हो जाए तो ये जिंदगी एक दूसरी जिंदगी होती है दूसरी जिंदगी आम जिंदगी से हटके और खुदा खुदांद मुताल फरमाता है अवन का न मई तन ना हो जो कि एक अकलानी एतबार से मुर्दा था हमने उसे जिंदा किया वह जान लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास फिर हमने उसे एक अक्ल दिया जो नूर की सूरत में था जिसके जरिए से ये इंसानों में घूमता है अब जिसकी अक्ल कंप्लीट होती जाएगी जितना जितना मेचर होता जाएगा उतना उतना वो अपने वजूद को समझता जाएगा और जब अपने वजूद को समझता जाएगा तो वो खुदा मुताल को समझता जाएगा तभी ये हदीस जो है कि मन आरफ नफसहू फरफ रब जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना तो ये अकलानी जिंदगी इंसान की जितनी जितनी मेचोर होती जाएगी उसकी हयात अकलानी उतनी उतनी बढ़ती जाएगी वो डेवलप होती जाएगी आप जानते हैं आसिफ भाई ज़ाहिरन मुझे जितना इल्म है कि इस बज में आ, हमारे जैसे हवीबन मुजाहिर असदी की तरह बूढ़े हैं मगर ईमान में कवि और यंग और जवान हैं तो जब इंसान अकलन मेच्योर होता है तो वो बहुत सारी चीजें जो उसने अपनी नादानी में अपनी जवानी में किए थे सब उसको एक बचपना लगता है उस पर हंसी आती है कि ये मैंने क्या किया था जैसे मैं अभी हिसाब से आप देख रहे हैं एक नौजवानों में ब्रांड के हिसाब से कि भाई मुझे ब्रांड पहननी है मुझे फुला ब्रांड की मसन जूता पहनना है उसका बेल्ट पहनना है हर चीज के हिसाब से ब्रांड ब्रांड मगर जब इंसान अक्ल के अतबार से मेचोर होता जाता है फिर उसके ये नजरों में कोई चीज ये मान ही नहीं रखती उसमें उसके अक्ल में जब खुदा वंद मताल नूर आ जाए यमशी बिहि फिन्नास इंसानों में जब वो घूमता है जो वो पहनेगा वो ही ब्रांड हो जाएगी और यही हकीकत है यानी अगर इंसान खुदा मुताल आज का मुकदमा सैदा फातिमा मासूमा सलाम्ह की जिंदगी को समझने के लिए यह मुकदमा में अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सैदा फातिमा जहरा अभी तक हमारे दिलों में और हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे किरदार में हमारी मोमिनत के किरदार में अभी तक जिंदा क्यों है ये उनको कौन सी जिंदगी मिली हुई है ये हयात कौन सी है उनके पास उस हयात को उस जिंदगी को समझने के लिए ये मुकदमतन में आपकी ख़िदमत में आरइस पेश कर रहा हूँ कि मुकदमा जब हम समझ जाएंगे तो ज़िल मुकदमा वो ज़ात हमें समझ में आ जाएगी और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी, जल्दी आपकी खिदमत में आरइस पेश कर रहा हूँ तो ये दूसरी हयात जो है जो एक मादी हयात के बाद इंसान को अगर मिल जाए तो वो हयात अक्लानी है जिसके जरिए से वो इंसानों में घूमता है जितना जितना इंसान का अक्ल कामिल होता जाएगा नूर रहमानी के जरिए से उतना उतना वो अपनी हयात को समझ सकेगा कि मैं क्यों आया हूं और मैं कोई मुजायका नहीं समझता इस चीज को यहाँ आप जानते हैं ईरान में जब भी कोई न्यू फिल्म आती है तो उसे सेंसर करके और उसे डब करके या उसके नीचे सब टाइटल के साथ वो चलाई जाती है पे बैठा था तो एक फिल्म चली थी जो मैं समझू 2014 में थी या 16 में मैं जरूर कहूंगा कि आप उस फिल्म को देखें जिसका नाम था लूसी मॉर्गेन फ्रीमैन भी उसमें था जो आपके इंग्लैंड का ही है उसमें आप मैं फकत खुलासा बता दूं उसमें दिखाया जाता है कि एक खातून के पेट में कोई ऐसा मवाद जो नशे आवर होता है वो डाला जाता है ताकि उसको स्मगलिंग किया जाए दूसरे मुल्कों में तो वो मवाद उसके पेट में फट जाता है उसके बाद ज़ाहरी तौर पे जिस तरह दिखाते हैं उसकी एक अक्ल कामिल होती जाती है और वो वो कुछ कर सकती है जो आम बंदा नहीं कर सकता खुदा यानी इस बात पे यकीन कीजिएगा अभी रूब किबला और रूब इमाम रज़ा जब मैंने ये फिल्म देखी थी फिर मैंने डाउनलोड करके देखी और कई दफा रोया मैं कई दफा रोया क्योंकि जब वो फिल्म चल रही थी तो मुझे वो उसूल काफी की अदीस याद आ रही थी जो मासूमी सलाम ने बयान किए कि खुदा और मासूम का रता इस तरह होता है कि नूर अल्लाह उनकी अक्ल को कामिल कर देता है किताब अकल में किताब हजरत में इब्तदाई जो किताब है उसूल काफी की और आप जानते हैं उसूल काफी की हैसियत क्या है मकतब तश्यों में तो किताब अकल में अक्ल इंसान का जब कामिल हो जाए तो वो क्या कर सकता है ये इस फिल्म में इंसान को दिखाया गया है और इसे बयान किया गया है तो एक अजीब यानी वो अमूद मिना नूर जो मैंने आपके सामने आयत भी पढ़ी थी कि जब खुदा मुताल किसको किसी को हयात फिक्री देता है उसके अक्ल को कामिल करता है वह नूर यमशी भी ही फिन्नास हम उसको एक नूर अता कर देते हैं जिसके जरिए से वो लोगों में घूमता है और वो हकायक को देखता है उसको ये जाहरी दुनिया फकृत नजर नहीं आती उसकी आंख उससे मावरा देखती है और ये फिर नूर जितना कामिल होता जाता है ये दुनियावी लजात और ये सारी चीजें उसके सामने बेमाना होती जाती हैं और वो हकीकत पे पहुंचता जाता है और यही चीज दिखाई गई है कि इंसान का अकल कामिल होता है वो दूसरी चीजों पे कंट्रोल कर सकता है और ये बाब बहुत वसी है और ये विलायत का बाब है मैं इसमें जाना नहीं चाहता फ़कत इशारा करके गुजर रहा हूं तो खुदांद मतल इंसान को जब अकल उसकी कामिल करता है कामिल की तरफ लेके जाता है जब वो अकलन मेचोर होता है तो एक जिंदगी ये भी मिलती है ये दूसरी जिंदगी हुई तीसरी जिंदगी है हयात जावदाना यानी कामिलन इंसान तवज्जो करे जब उसकी अक्ल कामिल हो जाती है तो वो इस जिंदगी को नहीं इस जिंदगी के बाद आने वाली जिंदगी को देखता है और उसके लिए खुदा मुतार फरमाता है सूर्य फज्र में मैं चाहूंगा कि आज शब जुमा है कुछ आयात का हम मिल के थोड़ा सा तिलावत कर दें और आपकी खिदमत में मैं उनकी का तर्जुमा भी बयान करूंगा चौबीस नंबर आयत सूर फज्र की वो यानी उसे मैं कोट करना चाहूंगा मगर उससे पहले आपको एक बयान करना चाहता हूँ कि ये जिंदगी जावदाना है क्या हमेशा के लिए जिंदा रहना ये कितनी अहम चीज है जिसको खुदा मुताल ने सूर फजर में बयान किया है और आप जानते हैं सूर फजर का दूसरा नाम सूरत हुसैन है बिस्मिल्लम रहीम वल फजर कसम है सुबह की और उन दस रातों की व शफ ए वत्र और मुझे कसम है फ़र्द की और जोज की वल इज़ा यसर और कसम है उस रात की जो आखिर एंड तक पहुंच जाएगी

ऐसी उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई थी जो उस वक्त किसी भी शहर में मौजूद हुआ नहीं करती थी वह उस सखर बिलवाद और उस समूद का आपने हाल नहीं देखा कि जिन्होंने पहाड़ों में अपनी जिंदगी बसाई थी और आप जानते हैं कौम हजरत साल नबी किस तरह जिंदगी करती थी और मदीने के करीब दो सौ किलोमीटर के करीब वहां पे उनकी जगह अभी मौजूद है वह फिर अवताद और फिर जो बड़ी ताकत वाला था जिसके अः हुकूमत के पाए मजबूत थे अल्लाजीन तगो फिलबिला फ अक्सरूफी अलफसाद फसब आलिम रब का सऊत आजाब तुम्हारे रब ने उनके ऊपर अजाब की छड़ी फेंक दी इन रब कलबिल मिरसाद खुदा वंद मताल इन बदकारों के लिए कमीन में बैठा होता है अभी आगे चलती जाती है बातें और खुदा मुताल इंसान के लिए कहता है फ अमल इंसान हो इजामब हुफा अक्रम हो वह नूफ़ यबी अक्रमन और जब हम खुदा मताल फरमाए जब हम इंसान को इम्तहान लेने के लिए अः उसको माल और दुनिया देते नमतों से नवाजते वो कहता है कि खुदा ने मुझे देख के ये नमतें दी हैं व अमा एजाम अब तलाक और जब हम उसी का इम्तहान लेने के लिए उसके रिज को थोड़ा बंद कर देते हैं तो वो कहता है अल्लाह ने मुझे रसुआ कर दिया बल्कि अल्लाह ने रस्वा नहीं किया कल्ला बिल्कुल ऐसे नहीं हरगिज़ नहीं बल्ला तुक्रम यतीम तुम यतीम का इकराम नहीं करतेम और तुम मिसकीन के सहम को उन फकीरों को तुम अता नहीं करते वह तुरासा अकल और तुम अपने मीरा के साथ यतीम का मीरास भी खा जाते हो वह तो जम्मा और दुनिया के माल को हासिल करने के लिए शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हो अभी फिर खुदा ने मुतान दक्का हाँ हरगिज नहीं जब जमीन को हम झिझोड़ेंगे वह जहाँ कवल मलक सफन सफा जब तुम्हारे रब का हुक्म आ जाएगा तो मलाय का भी कतार बना के क्यों बना के खड़े होंगे वह जी जहनमान और जब उस दिन इंसान को जहन्नम के पास लेके आएंगे अब आयत वो मुहिम आ चुकी है जो हयात जावदाना की अजमत को बता रही है कि इस दुनिया की जिंदगी के बाद किस दुनिया कितनी अहम है वह जियम भी जहन्नम और इंसान को जब जहन्नम के पास लेके आएंगे इंसान अन्ना बहुल यहा उस वक्त सोचेगा ये काश में कुछ कर लेता मगर ये कुछ कुछ कर लेता ये काश के ना उसको हरगिज फायदा नहीं देगा यकूल या लई तनी कदम तुल हयाती ये हयात कौन सी है जिसके लिए इंसान जहन्नम के दहाने पे खड़ा होके कहेगा यकूल या लही कदम तो ले हयाती एक काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ किया होता ये कि कौन सी हयात है ये हयात जावदाना है जिसको हासिल करने के लिए ओलिया अपने ऊपर जहमतें करते थे अम्बिया अब जहमतें करते थे कौम को इस तरफ मुतव करते थे कि ये जिंदगी तमाम होने वाली है ये मालो दुनिया तमाम होने वाला है असल हयात तुम्हें चाहिए तो वो हयात जावदान है तो ये इंसान को इस हयात की तरफ फिर आखिर में मैं खुलासा करने के लिए कर रहा हूं ताकि इस चैप्टर को मुकदमे को हम बंद करें अब चौथी एक हयात है जिसको सूर नहल की 97 नंबर आया जिसकी मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया खुदा खुदांद मतल ने बयान किया है मन अमिलकर औसा जो खैर का अमल करे चाहे वो मर्द करे या औरत करे दोनों बराबर है इस तरह नहीं कि मर्द का खैर खैर का अमल अच्छा अमल नेकी करना वो काबिल कबूल है औरत की कबूल नहीं बिल्कुल नहीं मन अमिलकर औसा दोनों का काबिल कबूले शर्त वह हुआ मोमिन वो उस पर ईमान रखता हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूं अगर ये दो कमालात इंसान में आ जाए चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो खुदा ने मुताल फरमाता है, मन हम उसको ऐसी जिंदगी देंगे जो पाक और पाकिजा जिंदगी होगी जो मर के भी नहीं मर सकेगा जिसके आगे मौत थर थर आएगी जिसको याद करके इंसान अश अश कर उठेंगे हम ताकीद के साथ अल्लाह मतल फरमाए हम उसे हयात देंगे त्यीब हयात तय्यब तय्यब हयात जिंदगी यानी उसके अमल और ईमान के सदके में दो रिजल्ट मिल रहे हैं एक इसी दुनिया में फल नयातन तय्यबा वो एक जिंदगी कर रहा होगा मगर हम उसकी जिंदगी को चेंज कर देंगे हयात तयीबा में बे वो नजियम बेअसन अज्रम बेअसन मकान हूँ एक तो दुनिया में उसे हयात तैयबा देंगे दूसरा उसे ऐसा देंगे जो उसके अमल से बेहतर होगा। यानी मैंने पांच रुपए का काम किया है मुझे मजदूरी मैंने की है मगर जब वो मालिक मजदूरी देने का और मुझे और पेमेंट करने का वक्त आता है मुझे पांच रुपए की जगह पंद्रह रुपए देता है खुदाफी अजर हम जो वो अमल खैर करते थे उससे ज्यादा हम उसे अजर दे, यानी इंसान अगर अः अमल खैर करे ईमान की हालत में और ये आप देख ले ईमान की हालत में ये एक इशारा किया जा रहा है कि अमल खैर अकीद खैर के साथ पैदा होता है जब तक इंसान का अकीदा और ईमान मजबूत ना हो वो बेहतर ना हो अमल खैर नहीं कर सकता इनोवेशन हो सकती हैं इंसानियत की भलाई के लिए मगर इसमें यह चीज नहीं होगी कि ये मैं काम खुदा के लिए कर रहा हूं। जब खुदा की नीयत से ये काम करेगा, तो उसको दो जजाए मिलती हैं, एक दुनिया में एक आखिरत में हम क्यों सैदा मासूमा फातिमा जहरा की मुजहरा उसको जाहिर करने वाली फातिमा मासूम का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये साहेब तो हयात तयबा है ये मासुमी साहेब हयात तय्यबा और ये हयात तयबा आपको हमको सबको मिल सकती है शर्त यही है मन जकर के साल अमल करें और इस शर्त के साथ वह वो मोमिन वो ईमान रखता हो हयात तयबा की बहुत सारी मीनिंग्स की गई है और इसी तरह अमल सवाल और ईमान को कुरान ने कई जगह पे जिक्र किया है कि उसकी पादाश उसका रिजल्ट उसका नतीजा क्या क्या होगा फोर्टीन के करीब आयात हैं जिसमें मुख्तलिफ चीजें बयान हुई है मैं तफसील में नहीं जाऊंगा वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उनमें से एक चीज ये है कि इंसान को खुदा मताल हयात तय्यबा अदा करता है हयात तयबा उसके अमल खालिस के जरिए से मैंने कल भी आपकी खिदमत में कल नहीं कल से मुराद पिछले जुमेरात भी आपकी खिदमत में अब्बास अली खुली, खुली खान के मदरसे का जिक्र किया था कि जो तालिब जो बंदे खुदा अपने वाले साहब के साथ जा रहा था और उस वाले साहब ने वसीयत की के बेटा कि मैं जब मर जाऊं तो ये जो हरम के साथ मेरी जमीन है इसको आप मदरसे में तब्दील कर देना तो आप जानते थे तब लाइट का जमाना नहीं था मैं तकरार कर रहा हूं था कि एक बात आप तक पहुंच सके ये अमल खैर किस तरह इंसान करता है अमल खैर हयात तयबा के लिए जो इस जिंदगी में भी उसे काम देती है और उसके जाने के बाद भी तो वो बेटा जब सुनता है अपने बाप की वसीयत के वाल साहब कह रहे हैं कि बेटा मेरे मरने के बाद उस हरम के करीब जो जमीन है नवाब सफवी की साइड उसको मदरसे में तब्दील कर देना तो वो बेटा जो फानूस हाथ में लिए बाप के आगे आगे चल रहा था ताकि बाप रास्ते को उस रोशनाई के जरिए से देख सके वो पीछे आ जाता है फानूस लेके तो वाले साहब कहते बेटा फानूस लेके पीछे क्यों आ गए कहा बाबा आपको फिर भी रास्ता नजर आएगा कहा बेटा इतना रास्ता नजर नहीं आ रहा आप मेरे आगे चले नूर आगे होता है लाइट आगे होती है जब लाइट आगे होती है तो चलने में आसानी होती है मैं बड़े बड़े कदम उठा सकता हूं तो कहा बाबा मैं भी यही समझाना चाह रहा था आप जो कह रहे हैं कि वसीयत कर रहे हैं कि ये जमीन मदरसे में तब्दील कर दीजिएगा ये आप खुद करके जाए अपनी कब्र की लाइटिंग खुद अब आप अपने पहले से भेज दें आप खुद जब तक जितना नहीं करेंगे उतना उसका असर नहीं होगा मैं बाद में आपके लिए कर लूं ठीक है मैं कर लूंगा मगर आप जिस तरह तो यही हयात तयबा है जो इंसान अमल साले करे और कुरान ने यही फरमाया है कि अमल साले करोगे ईमान के साथ तो दो जजाए तुम्हें तो मिलेंगी इस दुनिया में हयात तय्यबा ऐसी हयात जिसमें मौत नहीं होती और दूसरा वल नजी अजर हम बेअसन कानू बेहसन मा कानू या उनको जजा ऐसी दी जाएगी जो उनके अमल से ज्यादा बेहतर होगी अब ये हयात तयबा इंसान को ईमान और अमल साले के जरिए से मिलती है और ये अमल साले इंसान जब तक करता रहे इंसान की तोफ़िकार अब ये मासूमीन सलात वाम सब के सब साहिब हयात तय्यबा हैं हयात तय्यबा की मुख्तलिफ मानी आई है ग्यारह के बारह के करीब मुख्तलिफ तफासिर ने इसको जिक्र किया है उनमें से कुछ मानी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ एक तो माना ये आती है कि इंसान रिस्क यौम भी यम इंसान को हर दिन का जितनी उसकी जरूरत होती है रिस्क खुदा अता करता रहता है ये रिस्क अल्लाह इंसान को अता करता रहता है जितनी उसकी हर रोज की एहतियाज होती है और ये हयात तयबा है जिसके सबब इंसान कभी भी खुदा के उस रिस्क से कभी भी गाफिल नहीं रहता खाली नहीं रहता और फकत यह रिज्क मादी नहीं इस रिस्क की इन कभी हुआ मैं तफसील से अर्ज करूंगा कुरान में कौन सी कौन सी चीजों को रिज्क कहा गया है औलाद सह रिज है फिक्र सज्क है ज़बान अच्छी माल करना रिस्क है अच्छी सोच रखना रिस्क है अमल खैर करना अल्लाह का रिस्क है रिस्क तोफीक भी एक रिस्क है आप जो आके मजलिस में बैठे ये भी एक तोफीक है ये भी खुदा वंद मताल का एक रिस्क है जो खुदा वंद मताल मोमिन को अता करता है और रिस्क की कसरत के लिए मैं समझू इससे ज्यादा इसी ज़ूम के जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हमारे साथ काफी ऐसे में जिनको जानता हूँ बंदगा खुदा हैं जिन्होंने इस अमल को किया और अल्हम्दुलिल्लाह कभी रिस्क की शिकायत नहीं हुई और ये हम अमल हमारे उस्ताद मोहतरम जिनके पास उलूम में गरीबा इल्म नव और दूसरी चीजें हमने पढ़ी थी उनके नाना मोहतरम आप किसी भी आलिम दीन से आप पूछेंगे शेख हसन अली इस्फहानी नखुद कौन सी हस्ती थी तो अगर वो जानता होगा और इन शाह जानता होगा कि किलब मो और शेख हसन अली आयत शेख हसन अली इसफानी जिनकी सोनिंग के सबील सन इनकलाब इमाम में वहां के बिल्कुल सामने कब्र मुतहर है तो कहेंगे आप जरूर उनसे पूछिएगा मैं नहीं समझता कोई कहे कि आयात इजाम की कैटेगरी में कोई साहिब विलायत इन जैसा गुजराओ कि जिनके करामात में मुर्दों को जिंदा करना हो जिनकी करामात में जिनों को मुसखर करना हो जिनके एक सलाम देने के बाद जिनों की अजियत करना खत्म हो जाती है जो जादू टोने और इनके लिए एक माहिर समझे जाते थे और उनके लिए ये मिलकता है कि आप देख सकते हैं और मेरी बात आप किसी भी आलम दीन से पूछ सकते हैं आयतुल्ला सैयद रूहल्ला खुमैनी और अभी जो जिन्ना है आयतुल्लह शुबेरी जनजानी मसरे मुतारी में नवाज़ पढ़ाते उनके वाल साहब जवानी के दौर में आयतुल्ला रूहल्ला फुमैनी और आयतुल्ला शुबेरी जनजानी के वाल साहब हसन अली इसफानी नकूदकी से हरम एवाम सलाम में मिलते हैं और पूछते हैं कि किबला हमने सुना है कि आपके पास कीमिया का नुस्खा है यानी आप सोना बना सकते हैं गोल्ड बना सकते हैं तो फरमाए जी बिल्कुल है मुझे एक सैयद ने अदा किया था तो कहा अगर आप वो हमें दें ताकि हम गरीब आवाम की खिदमत कर सके मोमिन की खिदमत हो सके तो आगा साहब ने फरमाया कि मैं आपको दे देता हूँ मेरा आपके ऊपर एतबार है मैं देख रहा हूँ आप मुतदीन आदमी हैं मगर इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि आपके बाद ये गलत हाथों में नहीं चला जाएगा तो इमाम सोमैनी ने फरमाया नहीं इस चीज की हम नहीं दे सकते तो फरमाया फिर छोड़ दें मैं आपको उस कीमिया के नुस्खे से बेहतरीन नुस्खा अता करता हूँ जो हर चीज में आपके लिए मदद साबित हो सकता है फरमाया कि हर वाजिब नमाज के बाद एक दफा आयत कुर्सी पढ़े और जब भी एक नुकता है आपकी खिदमत में क्योंकि मैं अदनासा तब हूँ गरीबा का। गरीबा में जब भी आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो वहीम तक पढ़ी जाती है और अहकाम में जब भी आयतुलकरसी पढ़ी जाती है तो हम फी खालिदून तक पढ़ी जाती है तो फरमाया हर वाजिब नमाज के बाद

लिकुल कद्रा। ये तीन मरतबा पढ़नी और वाकन एक ऐसा मुजरब अमल है इसको हमने फकत रिस्क के अलावा यानी हर वाजिब नमाज के बाद आप दूसरे कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी नौकरी का मसला है या कोई भी मसला है जो आपका हलाल मसला है उसको किसी के आगे पेश करना है तो इस अमल को करने के बाद आप जब वो अमल करने के बाद वो अपना काम करेंगे तो उसके प्लस यानी रिजल्ट निकलते हैं और इस तरह पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं इसको तो फिर से दोरा दे कौन सी सी आयत मैं इनशाला कहूंगा पे सेंड कर दे मैं अजहर भाई को भेज दूंगा फिर भी मैं दोहरा देता हूँ एक दफा आयतुल कुर्सी वालीम तक फिर तस्बीह जनाब फातिमा फिर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा क्योंकि बात से बात खुलती है अल कलाम यजुर कलाम के हिसाब से हमारे यहाँ हमने मोमिन को देखा है कि मैं समझू चालीस पचास सेकंड में तस्वी फातिमा जहरा पढ़ के खत्म कर देते अकबर अकबर इस चीज इस तरह नहीं पढ़ी जाती आप अब मैं कोशिश करता हूँ कोई भी बात करूँ तो उसका बैकग्राउंड अर्ज करूँ तस्वी फातिहरा फातिमत को मिली किस तरह ये आप जानते हैं बहुत सारे मोमिन जानते होंगे बुजुर्गान जानते होंगे मैं अपने छोटों के लिए ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक दिन जनाब फातिमा जहरा सलाम्लिया मौला अमीर को फरमाती गई मौला घर का काम करके मैं थक जाती हूँ तो मुझे कनीज चाहिए जो मेरी मदद करे जनाब फिजा उस वक्त तक नहीं आई थी फरमाया मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता आप अपने बाबा को कहें तो मैं आ, चलता हूं आपके साथ उन्हें कहते हैं कि आपको कोई कनीज दें बीबी और मोलाली आते हैं रसुल्लाम के पास और बीबी हजूर शर्मी में कुछ नहीं फरमाती तो पूछते हैं रसुल्ला के बेटा किस वजह से आना हुआ तो वो कुछ नहीं फरमाती तो मोलाम फरमाती यार रसुल्ला बीबी शर्म की वजह से नहीं कह रही वो कह रही है कि मैं थक जाती हूँ घर का काम करके मुझे हेल्प के लिए कोई कनीज़ चाहिए तो फरमाया फातिमा क्या तुम्हें कनीज से बेहतर एक अमल न बताऊं कहा जरूर बाबा मुझे बताएं फरमाया जब भी सोते वक्त तुम चौंतीस मरतबा थर्टी फोर टाइम्स अल्लाह अकबर का विरद करो 33 टाइम्स अलहमदुलिल्लाह 33 टाइम्स सुभान अल्लाह तो ये उस कनीज से बेहतर है तुम्हारे जिस्मानी दर्द भी खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी हाजात भी पूरी होंगी यानी अब ये बीबी सलामुल्लाह हलिया का जिक्र हम इतनी स्पीड के साथ पढ़ लेते कि जैसे हमारे अंदर यूरो 4 की इंजन लगी हुई है और स्पीड के साथ पढ़ते जाते हैं नहीं इसे इत्मीनान के साथ सयदा की उस खुशबू को महसूस करते हुए अल्लाह अकबर हो अल्लाह अकबर हो अल्लाह अकबर इस तरह वर्द करें मैं फिर दोहराता हूँ एक टाइम आयतुल कुर्सी आयतुलसीम तक दूसरा सयदा स्य, फातिमा सलाम की तस्वीर उसके बाद तीन मरतबा सूर तोहिद सूर अखलास जिस जो दोनों नाम है इसके तो तीन मरतबा सूर तोहद की तिलावत करनी है फिर तीन मरतबा सलवाद की तिलावत करनी है फिर तीन मरतबा सूर तलाक की दो नंबर आयत का आखिरी हिस्सा वमैय तक यज्लू मखरजा शायद यहाँ तक है यहाँ वमैय तिल्ला यहाँ तक है फिर आगे तीन नंबर आयत जो है वो कम्प्लीट यानी वामय तक यज्लह और जो अल्लाह की तकवा अख्तियार करता है अल्लाह उसे देता है मखरजा एग्जिट प्वाइंट जहाँ से वो हर मुसीबत से निकल सकता है हर मुश्किल से निकल सकता है जो अल्लाह की करे मख़रज़न मिन हैसु ला और उसे वहां से से करता है जहां से उसका ख्याल भी नहीं जाता नहीं। फिर आगे मिन हैसु ला हस्पो। जो खुदा पे तवक्ल करेगा खुदा उसके लिए काफी हैदरा खुदा ने हर चीज को एक पैमाने के मुताबिक रखा है इस तरह नहीं किताब नहीं पैमाना है चीज का तो ये तयबा को हम बढ़ा सकते हैं रिस्क जैसे ये बात इस जगह से खुली थी कि खुदावंद मुताल उसको रिस्क के हयात अता करता है तो रिस्क कई चीजों को कहा जाता है रिज मानवी हो गया रिज मादी हो गया तोफीक भी एक रिस्क है किसी मोमिन से जाके मिलना और खुश होना भी ये खुदा वंद मुताल का रिस्क है और ये ज्यारात पे इंसान आए ये भी इंसान के लिए रिस्क है और इसी तरह अमल खैर की अच्छे काम की तोफीक मिलना ये भी एक रिस्क है आज ममिन बहुत सारे खैर के अमल करते हैं मगर डरते जरूर हैं कि भाई हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे जरूरत है कि नहीं ये जो हम खुम्स अदा करेंगे ये सही हकदार के हाथ में जाएगा कि नहीं भाई उसके सबके तरीके बयान हुए आप खुम्स पे कर रहे हैं आप अपनी रिसिप्ट लें जिस मर्ज की खिदमत में आप पेश कर रहे हैं उनकी ऑफिस की रिसिप्ट लें या उनके वकील की रिसिप्ट लें ताकि आपको इतमान हो जाए इतमान के बहुत सारे तरीके हैं मगर ये कह के हम कार खैर को बंद न करें कि हमें इतमान नहीं आता कि हम सदक़ात खैरत कहाँ पे दें भाई आप जहां पे मुतमिन हो जाए और इतमान सुकून कल भी एक खुदा की तरफ से रिज है उसको हासिल करने के तरीके बयान हुए जहां आप मुतम होते हैं आप वहां पे कार्य खैर करें और कार्य खैर करने का ये तरीका नहीं है कि मैं दस लाख रुपए दूंगा तो फिर कार्य खैर है मैं एक हजार दे दूंगा तो ये कार्य खैर नहीं अगर ऐसी सोच है तो जरूर इन जब मशहद में आए आपको जनाब निशापुर में जब जाएंगे बीबी शतीता निशापुरिया उसकी ज्यारत पे जाए कि जिसने इमाम काजम की तरफ दो खोटे सिक्के भेजे थे कि मोला ये मेरा खुम्स बना है जहां पे लाखों दिरहम और दीनार के लेके जा रहे थे वो लेने वाले शर्मिंदा हो रहे थे कि शपीता तुम्हारी ये दो दिरहम मोला के किस काम आएंगे क्या इसके हलाल से मेरे ऊपर यही मोला का हक बना है जो मैं पेश कर रही हूँ कार खैर में वाजिब को अमल करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि दो टके दे रहा हूं या बीस लाख दे रहा हूं हाँ कार खैर होना चाहिए तो अब ये हयात तयबा इंसान को जब मिलते आती है उसके बाद इंसान के अंदर बड़ी चेंजिंग आ जाती है जाहरी से, उसकी तोफ़ीकत खैर के हिसाब से जैसे मैंने अर्ज किया था मुख्तलिफ ताबीर आई है हयात तय्यबा किसे कहा जाता है जैसे अर्ज किया रिस्क यौमिन बे यौमिन हर दिन का रिस्क जिसकी तरफ एहतियाज होती है खुदा उसे अता करता है इसी तरह दूसरी जो मीनिंग आई है जो आज शब जुमा है उसके हिसाब से वो है फिल कब्र जो मोमिन इस दुनिया में अमल साले और अकीद साले के साथ वो अमल साले करता हो उसको खुदांद मुताल कब्र में भी हयात तयबा देता है यानी वहां पे भी उसका इल्म बढ़ता रहता है वो अम्बिया आलम ज्यारत करता रहता है मासूमी साहेब हयात तयबा नफकत मासूमी उन्होंने जो नुस्ख जात बताए हैं एक आम मोमिन भी हयात तय्यबा तक पहुंच सकता है और जेब रसद जनाब मासूम कुमार कि जो ऐसी हस्ती है और ये पढ़ते हुए आ, मैं बगैर किसी मुबालगे के अर्ज कर रहा हूँ आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं मकाम मासूमीन इमाम हुसैन आसम का मकाम इमाम मासूम का मकाम मैं पढ़ते हुए आ, मेरे आ, हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं जब ये बात मैं पढ़ता हूँ कि इस कायनात में मैंने दो हस्तियों के लिए पढ़ा है और ये भी बात मैं करता रहता हूँ आप मेरे मजालिस दे सकते हैं कि जब पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ मैं घटता नहीं हूं सलाम पे आके एक नस्बत क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया था वो गुलू के ऊपर था कि मासूम की तरफ अपनी दहन अपने जबान से बनाए हुए अल्फाज अपने फिक्र से तराशे हुए अल्फाज मासूम हस्ती की तरफ नस्बत देना गुनाह है कबीरा है तो दो हस्तियों के लिए इमाम मासूम ने ऐसे जुमले कहे जो किसी और के लिए नहीं मिलते एक आप इसमत कुबरा को देखें इसमत कुबरा को देखें कि इमाम मासूम इमाम हुसैन का मकाम क्या है जब नो मुहर्रम का दिन आया तो उस वक्त इमाम हुसैन ने जनाब फजल अब्बास को कहा था या अब्बास नफसी आखिर तस के ए अब्बास हुसैन तेरे ऊपर कुर्बान जाए जाके इनसे पूछ के तो आओ कि ये क्या चाहते हैं यानी इंसान का अकल दंग रह जाता है कि हुसैन जैसी शख्सियत हजरत अब्बास को कह रही है और बगैर किसी मुबालगे के बात को बढ़ाने के लिए नहीं कह रही हुसैन के अल्फाज आईने हकीकत है वो कह रहा है कि इसमत कुबरा सुगरा के ऊपर फिदा हो रही है जिस मासूम हस्ती की, जिस मासूम हस्ती की वला विलादत के अयाम है वो मासूम कुम के कुछ मोमिन हजरा इमाम से शरी सवाल पूछने के लिए एक तुमार लाते हैं। खाल पे लिखे हुए सवाल थे और जाके पेश करते हैं मोला की हवेली पे जाते हैं तो इमाम मुसाफिरत में होते हैं ट्रेवलिंग के दौरान थे तो वो कुछ दिन वेट करते हैं फिर कहते हैं कि चले उनके बच्चे भी उन इमाम के इल्म से फेजियाब हुए तो हम पूछ लेते हैं इमाम काजाम के घर जब भेज देते हैं सवाल तो जनाब मासूमा कुम उन सवालों का जवाब लिख के उन्हें वो तुमार उनके वो खत वापस कर देती हैं वो खुश हो जाते हैं और जब वो तुमार अपने सवालों के जवाब वो नोट्स लेके सफर के लिए अपने अपने वतन के लिए निकते, निकलते हैं तो रास्ते में इमाम सलाम से उस से इमामत से मुलाकात हो जाती है मौला की ज्यारत करते हैं फरमाते मौला आप घर गए थे आपकी ज्यारत नसीब नहीं हुई कुछ दिन इंतजार किया फिर देर हो रही थी तो कुछ शरी सवाल थे तो वो आपकी खिदमत में पेश करने थे मगर आप जब न हुए तो हमने हवेली पे भेज दिए आपकी बेटी मासूमाय कुम जनाब फातिमाए मासूमा ने उन सवालों के जवाब भेज दिए शरी मसाइल देखे इमाम से पूछ रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिए इमाम ने फरमाया कि वो सवाल जो जवाब दिए गए वो मुझे खतो किताबत दिखाओ मौला ने जैसे ही पढ़ा और मौला ने तीन मरतबा कहा फिदा हा अबूहा फिदा हा अबूहा कि उसका बाप उसके ऊपर कुर्बान जाए मैं मूसा काज़िम अपनी बेटी फातिमा मासूमा पे कुर्बान जाऊ फिदा हा अबूहा फिदा हा ये अजीब यानी कहने में आसानी है मगर एक मकाम इमाम को तस्वर करें तो इंसान का अक्ल दंग हो जाता है कि इमाम जब बोलते हक को हकीकत बोलते हैं वो किसी हस्ती के लिए जब कह रहे हैं उसकी अजमत है तभी फरमा रहे हैं तो ये बीवी वो बीबी है जो इमाम मासूम जिसके लिए और आप अगर देखे ये वो मासूमा हस्ती है जिनकी अभी आमद नहीं हुई और हती उनके बाबा मूसा काजिम अल सलात इस्लाम की आमद नहीं हुई मगर इमाम सदक अल सलात इस्लाम यानी अंदाजन पचास साल पहले मोला फरमाए गए और आपने ज़रूर ये हदीस सुनी होगी मशहूर हदीस है कि इमाम फरमाते कि इन अल्लाह हर अमन व हुआ मक्का अल्लाह का एक घर है वो मक्का है अल्ले हैर अमन व मदीना और अल्लाह के रसूल का एक घर है वो मदीना है वो हुआ कूफा, अमीर हरमन वूफा और अमीरमिनियबिन अबी तलाम का एक घर है जो कोफा है

मेरी एक बेटी दफन होगी जिसका नाम फातिमा होगा मन जा रहा वह जो उस मासूम कुम की जियारत कर ले जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी अब रावी कहता है वकाल आलाम जाल का इमाम ने ये तब फरमाया था वलम तुहमल बिमूसा उम हजरत इमाम मूस काजम सलाम की वालदा माजदा अभी तक जनाब मूसई वसलाम से हामला नहीं हुई थी ये तब फरमाए यानी जनाब मासूम कुम के बाबा के आने से पहले इमाम फरमा के गए कि हमारा घर कुम है क्योंकि वहां हमारी बेटी दफन होगी और इसी तरह जनाब मूसम की आप जानते एक सौ अट्ठाईस में आमद हुई है विलादत हुई है और जनाब मासूम की करीबी वन सेवेंटी थ्री में विलादत हुई है तो ये इतने साल पहले और इमाम मूस काज्लाम की जोजा या तहर जनाब नजमा खातून जो जनाब मासूम कुम की भी वालदा है और जनाब इमाम रजालाम की भी वालदा है यानी जनाब इमाम रजा और जनाब मासूम कुम एक बाप और एक माँ से है बाकी दूसरी औलाद इमाम की मुख्तलिफ जोजात और कनीजात से है तो ये जनाब मासूम कुम है जो मुजहरा मैंने पहले जुमला इस्तेमाल किया था जो मुजहराए जनाब फातिमत जहरा है जनाब फातिमत जहरा के आसार उनकी बरकत उनकी करामात को जाहिर होने की जगह जो मिली है वो जनाब मासूम कुम की कब्र अतहर है बहुत सारे दोस्तान जानते हैं कि आयतुल्ला मराशी नजफी जो अनसाब के बहुत बड़े माहिर थे उनके वाल साहब हरम आमिर अलमोमिन अली इबन अबी तालिब सलाम में चालीस दिन का बैतूता करते हैं और चिल्ला काटते हैं जब चालीस दिन पूरे होते हैं उन्हें जियारत नसीब होती है वहाँ अली अब अबी अभी सलाम की फरमाते हैं। जी सैयद आपने ये जहमत क्यों की इतना चिल्ला काटने की फरमाया मेरी एक बड़ी हाजत है कहा हाँ अपनी हाजत पूरी फरमाए कहा हम, हम हर मासूम की जियारत करते हैं मगर हमें हमारी जद्दा फातिमा जहरा की कब्र का निशान नहीं मिलता हम चाहते हैं कि अपनी जद्दा फातिमातुल जहरा की ज्यारत करें उनकी कब्र की ज्यारत करें उससे हासिल करें तो मोलाली फरमाते हैं कि ये अल्लाह का एक अम्र है जिसकी वजह से कब्र फातिमा छुपी हुई है हाँ अगर तुम चाहते हो तो वह फातिमा जहरा की कब्र की बरकत मिले अलैही कभी कुम अलई कभी अलई कभी कुम काब कुम चले जाए का मोला कुम में क्या करूं फरमाया वहाँ हमारी बेटी फातिमा मासूमा है वहां जाके तुम्हें वही करामात मिलेगी जो मेरी फातिमा जहरा की कब्र से हासिल होनी है यानी बीवी मासूमा कुम को ये शरफ हासिल है हासिल है कि वो जनाब फातिमा जहरा के उस अनवार आलिया उस बाहरा को ज़ाहिर करने का मरकज है और तभी जोक दर जोक वहां ज्यारत के लिए जाते हैं कई मोमिन खुद अगर जियारत नहीं कर सकते दूसरे शहरों से मोमिन को तुल्ला को भेजते हैं कि भाई आप जाए और हम आपको कर रहे हैं आप जनाब मासूम की बिहाफ हमारे बिहाफ पे जाके जियारत करके आए यानी क्यों ताकि जनाब फातिमत जहरा सलाम्ल अ कब्र की जैसे ज्यारत नसीब हो जाए ये जनाबे मासूम कुम सो हरा और बीबी के कई अलकाबात हैं अगर मैं जिक्र करूंगा तो काफी वक्त चला जाएगा मगर मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूं कि बीबी वो मासूमा है जो इल्मी एतबार से और ये जो चीज आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता जिस तरह आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आयात के कुछ नाम होते हैं कुछ आयात ऐसी हैं जो हमारे यहाँ मशहूर होती हैं जैसे आए इंजार डराने वाली आयत आए मुबाहला मुबाहले वाली आयत आए विलायत जिस तरह विलायत आय जक़ात आय सलात इस तरह आयत के नाम होते इसी तरह हदीस के नाम होते हैं जिस तरह हदीस सकलेन हदीस तयर मशवी हदीस के हिसाब से कई ऐसी हदीस हदीस तशबी जिसे कहा जाता है तो इसी तरह एक हमारे यहां अहादीस के कुछ मजमू हैं जिसे कहा जाता है अहादी से फवातिम या अहादी से फातिमियात यानी वो हदीसे जिसकी सब राविया फातिमा थी यानी फातिमा ने फातिमा से सुना फातिमा उन्होंने दूसरी फातिमा से सुना पहले रावी को छोड़ के सब जो रावियात हैं वो सब की सब नाम फातिमा हैं इनको से फवातिम कहा जाता है या अहादी से फातिमियात उनमें से बहुत सारी से आपकी खिदमत में अगर पेश करना चाहूं जैसे हदीस गदीर हदीछ गदीर के अंदाजन एक सौ बीस तुर्क है उनमें से एक तुर्क जो है एक चैन जो है जिसे हदीस गदीर बयान होती है वो हदीस फातिमियात है यानी सब उसकी राविया फातिमा है और इसी तरह हदीस मंजिलत जिस तरह अंत मिन्नी बि मंजिलत हारून मिन मुसा इसकी एक चैन हदीस फातमियात है और हदी से मराज हदीसे मराज के लिए के मेराज पे तो जन्नत के दरवाजे पे देखा लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह लाला मोहम्मद रसोल व और उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं जैसे अंदर गया उस महल के पर्दों पे लिखा था बखिन बखिन मन मिसलोशियत अली इब्ने अभी तालिब के मुबारक हो मुबारक हो कौन हो सकता है अल्लाह की मखलूकत में अली के शी जैसा ये हदीसें फातिमियात कहलाती है उनमें से एक हदीस जिसे अहल सुन्नत आलम ने नकल किया है और तबर्रुकन में उसकी सनद यानी वो चेंज होती है वो पढ़ना चाहूँगा ये सयदना मराशी नजफ़ी नकल करते हैं अहल सुन्नत आलिम मोहम्मद गमारी शाफी से वो अपनी किताब में लिखते हैं जिस हदीस को हदीसे आसार मोहब्बत अहलबेद कहा जाता है कि अहलबेद से अगर मोहब्बत करें तो उसका असर क्या होता है एक अहल सुन्नत इस तरीके से हदीस फातिम के जरिए से उसे नकल करता है कि मोहम्मद गमारी शाफी अपनी किताब में नकल करता है अनफातिमा बिनत हुसैन रजवी हुसैन रजवी की बेटी फातिमा से उन्होंने किससे सुना अनफातिमा बिनत महम्मद रजवी उन्होंने मुहम्मद रजवी की बेटी फातिमा से सुना फिर उन्होंने किससे सुना फातिमा बिनता अब्दुल्लावी उन्होंने अलवी की बेटी फातिमा से सुना फातिमा बिनता हसन हुसैनी हसन हुसैनी की बेटी फातिमा से उन्होंने सुना उन्होंने फातिमा बिनता अबी हाशिम हुसैनी फिर उन्होंने किससे सुना फातिमा बिनता अहमद बिन मूसा मुबरका जनाब जवादुल्लाइम के बेटे सैयद मूसा मुबरका की बेटी जनाब फातिमा से सुना उन्होंने किससे सुना अन फातिमा रजा उन्होंने जनाब इमाम की बेटी फातिमा से यह कहते हुए सुना उन्होंने किससे सुना अनफातिमा बिनते फातिमा मासूम कुम से उन्होंने ये कहते हुए सुना कि मुझे जनाब जाफर सादिक की बेटी फातिमा ने उनको इमाम बाकर अल की बेटी फातिमा ने

जो मुझ है अल्बेद, मुझ रसूल की, हल्बेद की में मर जाए वो आम नहीं मरा वो शहीद की मौत मरा है तो ये हदीस मरातिन कही जाती है जनाब फातिमा मासूमा सलाम्ह का दर्जा इतना बुलंद था कि वो अहादीस को नकल करने वाली राविया थी ये फातिमा तो जहरा सलाम अल्ह का मकाम है कि जिनकी ज्यारत को इमाम जवाद इमाम रजा सलाम ने बयान किया है जिनकी ज्यारत के लिए पेशन गोई इमाम सादिक सलाम ने उनके बाबा के आने से पहले कर दी थी ये फातिमा है जिनकी कब्र से जहरा के मोजात उनकी करामात उनके अनवार ज़ाहिर होते यानी ये जनाबे इमाम रजा की वो बहन है जो अपने भाई की मोहब्बत में उनकी आमद है मैं तो फकत यही अर्ज करूंगा तो ये जनाब फातिमा है और ये दस दिन जो चल रहे हैं फर्स्ट जिक्र से लेके ग्यारह जिक्र तक इसे ईरान में दह करामत यानी आश्र करामत के नाम से जाना जाता है यानी पहली जिक्र को जनाब मासूम कुम सलाम्ह की आमद ग्यारह को इमाम रजाअ सलात वाम वलिया नहमत की आमद है ये दस दिन जो है ये आश्र करामत है इस करामत के अशरे में इंसान जितना हो सके अहलबेद सलात वाम से हयात तयबा को चाहे के मौला हमें हयात तयबा आता फरमा और उसके लिए जरूरी है हम नेक अमाल जरूर करें हम ईमान के साथ एतकाद के साथ पुख्ता यकीन के साथ और अच्छे यकीन के साथ अच्छे एतकाद के जरिए से अहलबेत सलातम की बारगाह में अपनी हाजात पेश करें उनको वसीला बनाए ताकि खुदा खुदांद मताल हमें भी हयात तय्यबा से नवाज दे वाखिर तबीन बर मुहमद वाली मुहमद